हाल चाल आज मैं फिर से आगे नई वीडियो लेकर जैसा कि आप टाइटल में देख रहे हैं कि आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉन्करर न्यू स्टेट में कैसे लिया जाए और जैसे कि आपको मालूम है कि मैंने कॉन्करर जो लिया है मैं आपको सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं बताने वाला इस वीडियो में बल्कि पूरा एक गेम प्ले दिखाऊंगा जिस कॉन्करर लॉबी का जिसमें हम लोगों ने कैसे पूरा मैच में कॉन् क्या कहते हैं सर्वाइव किया तो वीडियो को पूरा देखिएगा और एंड तक देखिएगा ये सिर्फ पबजी न्यू स्टेड वाले ना देखें बी जी एम आई या पबजी मोबाइल वाले भी देख सकते हैं क्योंकि लगभग गेम प्ले दोनों का अलग है बट जो सिचुएशन इसमें आई थी आखिरी में वो लगभग दोनों की बराबर है अब प्रॉब्लम यह है कि बी जी एम आई में रैंक पुश करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि वहाँ हैकर आते हैं इसमें करना इसलिए नहीं मुश्किल है क्योंकि फिलहाल अभी कोई हैकर नहीं आ रहे इस गेम में अभी फिलहाल तो वीडियो का पूरा एंड तक देखेगा सब्सक्राइब करना नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले लाइक कर ले तो चलिए शुरू करते हैं और टिप्स एंड ट्रिक्स देने से पहले एक चीज ध्यान लीजिए वैसे आपको यह चीज वैल्यू रहा बाकी यूट्यूबर्स ने भी बताई है मतलब आपको पता होगा फिर भी कि कभी भी किसी के साथ भी रैंक पुश करें यह सोच ही करें कि वो बंदा रैंक पुशर है अगर आप रैंडम के साथ करेंगे या उनके साथ करेंगे जो रैंक पुश नहीं करेंगे वो हंड्रेड एंड टेन परसेंट आपका माइनस लगाएंगे और फिर आप उनको गाली बकने से फ़ायदा नहीं रहेगा क्योंकि भाई उनको मस्ती चढ़ी है और आपको रैंक पुश करना है वो कहेंगे कि हमें ले चलो ये रैंक पोचिंग की और आपको जाना है लिपो लिपोप का तो वो आपकी बात नहीं मानेंगे और ज़्यादातर रैंडम्स आपकी बात नहीं मानते हैं चाहे आप उनके कुछ भी कर लें वो आपकी बात नहीं मारेंगे आपको मरवा देंगे आपको माइनस लगा देंगे तो मेहरबानी करके रैंक पुश करें तो उनके साथ करें जो खुद रैंक पुश कर रहे हो या आप अपने जानने वालों के साथ करें साइनर्जी बनी रहे समझ रहे हैं एक बात हमेशा याद रखना कि इसमें आप एग्रेसिव नहीं खेल सकते हो आपको स्ट्रेटेजी बना के जोन प्रडिक्ट करके पोजीशन लेने ज़रूरी है जोन में और चौथी चीज़ कि इसमें आपको सिस्टमेटिकली एक एक रोल करना पड़ेगा टीममेट के तरफ मतलब एक टाइप का सोच लो कि टूर्नामेंट खेल लो ऐसा एक नॉर्मल क्लासिक है यहाँ का क्योंकि यहाँ इसको जो इस गेम को हार्ड बनाती है चीज़ अगर आप खेले होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें वो जो ग्रीन फ्लेयर से अपने टीममेट को बुलाते हैं एनिमीज लोग या आप भी बुला सकते हैं मतलब क्या कह सकते हो टीम रिस्पॉन्ड कहते हैं इसको और या फिर एनिमी को रिक्रूट करना ये जो दो सिस्टम है वो इस, इस गेम को बहुत हार्ड बनाता है आखिरी आखिरी सर्कल तक चालीस बंदे आपको मिलेंगे और इसमें चिकन लाना एक टाइप से इम्पॉसिबल है एक टाइप से इम्पॉसिबल है बट हैकर्स नहीं आते इसमें इसलिए इसको इम्पॉसिबल नहीं कह सकते इसका आखिरी तक पूरा वीडियो देखिएगा आपको पता चलेगा कि आखिरी में क्या हुआ था हम लोग को कितना बुरा मतलब आप पूरी वीडियो देखिएगा आपको समझ आ जाएगा यहाँ पे गाड़ी से दो बंदे आए हुए थे तो उनमें से एक बंदे को मेरे टीम मार देता है उसको मैं नॉक फिनिश कर देता हूँ और दूसरे टीम को मैं क्या ही माराऊँ बस आप वो देखिए अब मैं ये सोच रहा था कि ये स्क्वाड एलिमिनेटेड नहीं हुआ है तो मैं इसके टीममेट को ढूंढता हूँ <laughs> क्या पता कहीं हो क्योंकि अगर आपने उनको छोड़ दिया तो वो पूरी स्कॉड को वापिस ज़िंदा कर देंगे कर सकते हैं और आखिरी सर्कल आते आते यही वजह होती है कि चालीस बंदे अलाइव रहते हैं तो अगर आपको कोई स्क्ॉड का बंदा नॉक करे अगर आप फाइट ले लिए हैं तो कोशिश करें कि पूरी स्क्ॉड को एलिमिनेट कर लें या उनको अपनी टीम में ले लें ठीक है वरना तभी आप जल्द से जल्द किल भी निकाल पाएंगे और बंदों को मार भी पाएंगे और क्या पता अच्छी कंटेनर भी ले आए और हम लोग अब जोन लेने वाले होते हैं फिर फिर तभी मेरा एक टीममेट अचानक से गाड़ी रोक देता है और भाई अचानक से पीछे से एक बंदा आ जाता है वो फिर देखिए क्या किया भाई सब भाई मतलब मेरा टीममेट भी ना नशेड़ी है क्या बोलूँ मैं अब अगर गाड़ी ना लगी होती ना तो पूरी स्कॉट हमारी ख़त्म हो जाती और भाई गंदा माइनस लगता करीबन तीस चालीस का वो तो अच्छी बात है गाड़ी तक गई थी और एक बंदा वहीं नॉक हो गया था वरना लग जाते मैं इस बंदे के साथ अगर आप खेल ले हो तो ये हमेशा याद रखना कि ये ऐसी गाड़ी चलाएगा कि आप खुद ही नहीं विश्वास कर सकते कि कैसी गाड़ी चलाएगा मतलब हद पार करता है ड्राइविंग में मतलब मैंने कहा था ब्रिज से ले लो लेकिन नहीं भाई इनको अलग ही शौक है समुंदर में गाड़ी ठहराने का नदी में डुबा दी मतलब मैंने कहा था वाह बेटे मौज कर दी तुम तो बड़े ही हैवी ड्राइवर हो बेटे सामने से मेरा टीम कॉल देता है कि ड्रॉप के पास एक बंदा लूट रहा है और वो भाग रहा है ठीक है तो उसका कॉल सुनते ही मैं उस पर स्प्रे देता हूँ तो उसको मैं नॉक कर देता हूँ ठीक है बट फिलहाल उसके टीम जो होते हैं वो आगे से फायर कर रहे होते हैं तो हम लोग को किसी तरीके से कवर लेना पड़ता है वरना फिर जिस कॉड खत्म हो सकती है क्योंकि यहाँ पे कवर टू तो कवर फाइट नहीं लोगे तो फिर तुम तुम गए मतलब खल्लास तो तुरंत हम लोग सेफ लोकेशन जाते हो और फॉर्चुनेटली ऊपर ही बंदे होते हैं ठीक है और फिर आप देखिए उनको कहीं मार और ये स्कॉट एलिमिनेटेड अब हम लोग को पता चल गया था कि इनके कोई टीममेट बचे नहीं है तो इस तरफ का थोड़ा सा सेफ हो गया था मामला बट आगे काफी बंदे लाइफ थे तो लगभग हम लोग ने फाइट ली तो मेरे बंदे ने एक बंदे को नॉक करके बोला कि उसने इधर फायर दिया है और मैं उस तरफ लूटने के बाद सोचता हूँ जाने का और अभी आपको पता चलेगा कि चिकन डिनर मिलते मिलते कैसे हाथ से चला गया और सामने से गाड़ी जा रही होती है उसको मैं स्प्रे देता हूँ पर को, कोई कुछ फ़ायदा नहीं रहता और ऊपर से हमारे एक टीम भी नॉक होता है बट खैर उसको हम वापस बुला भी लेते हैं बट कोई फ़ायदा नहीं रहता उसको बुलाने का और लिटरली ये पार्ट देख के थोड़ा सा मुझे भी गम हुआ था क्योंकि चिकन डिनर मिलते मिलते रह गया बट देखिए कैसे क्या हुआ कि चिकन डिनर नहीं मिला अब लेफ़्ट से कोई फ्लैंक करके आ रहा हो तो उसको मैं नॉक दे देता हूँ तो एक तो वो नॉक करने के बाद एक्चुअली में उनको थोड़ा सा पैनिक कर दिया अगर आप किसी टीममेट को नॉक दे दें और फिनिश ना करें तो खुद बद खुद उसकी टीम पैनिक हो जाती है क्योंकि वो जो नॉक बंदा होता है वो उनको चिल्लाने लगता है लगताइवे रिवाइव दे दे ठीक है समझ रहे ना आप, आप भी करते होंगे मैं भी किया हूँ और मैंने एक बार तो नॉक चिल्ला चिल्ला के रिवाइव मी रिवाइव मी अपने टीममेट की पूरी रिवाइव करवा दी थी उसके बाद गाड़ी के पीछे एक बंदा होता है उसको भी मैं नॉक कर देता हूँ उसके बाद एक्चुअली भी दो बंदे होते हैं एक नॉक कर देता हूँ एक को फुल्ली स्प्रे देता हूँ पर वो पता नहीं क्या ही होता है उसके साथ कि वो मरता ही नहीं भाई आप अभी देखिएगा क्या हुआ मतलब आप मुझे बताइए ये, ये कैसे हो सकता है मैंने उसको कितना स्प्रे दिया लेकिन वो मरा नहीं और मैं खुद नॉक हो गया मतलब हद होती है और मेरे टीम ने भी उसको मारा पर वो भी नहीं मार पाया मतलब या फिर कोई ग्लिच है ये या फिर पता नहीं क्या सीन है मतलब क्या बताए हट वे तो ये गेम देख के हमें यह समझ में आया कि इस आ, गेम में रैंक पुश करने के लिए आपको शुरुआत के कम से कम तीन से चार सर्कल में फाइट नहीं लेनी है और लास्ट सर्कल में आपको फुल्ली फाइट लेनी है और जोन में रहना है मतलब अगर आपने सेंटर पकड़ा है इसमें तभी आपका सर्कल चिकन निकल सकता है इसमें वैसे थोड़ी बहुत मिस्टेक की वजह से हमारा चिकन नहीं निकला था क्योंकि हमारे टीम अलग अलग जगह थे दो टीम मेट थे कंपाउंड में दो थे रेस के पास ये गलती नहीं करनी है आपको साथ में रहना और चिकन निकल जाएगा आराम से बट अवॉइड करना है बिगनिंग की फाइट में बिगनिंग में आपको ज़रूरी नहीं है कि आप दूर उतरे 2000 मीटर मैं जोन एरोप्लेन जा से जाता था उसी के सेंटर वाली जगह उतरता था मतलब कि कह सकते हो जहाँ पे हॉट ड्रॉप होता है और लिटरली ज़्यादातर बंदे नहीं आए मैं अपनी बात कर रहा हूँ जहाँ भी उत... जिस जगह भी उतरा हूँ या हॉट ड्रॉप प्लेस में जो भी इसमें की हॉट ड्रॉप प्लेस है वहाँ बंदे नहीं आते थे तो आपको ये चीज़ें अवॉइड करनी है और कुछ चीज़ों से आपने ये गेम प्ले में सीखा तो कौन कर लेना यहाँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है या मुश्किल नहीं है हाँ टाइम टेकिंग है पेशेंस की ज़रूरत है और स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है मिलते हैं आपको अगली वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें